माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फ्रेंड्स, माता वैष्णो देवी दर्शन से पहले सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करा सकते हैं या फिर आप कटरा पहुंचकर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। काउंटर से रजिस्ट्रेशन कराने के 6 घंटे के अंदर अंदर बाढ़ गंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। जय माता दी। फ्रेंड्स, इस टाइम सुबह के 4 बजे हुए हैं और मैं माता वैष्णो देवी की चढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं बाढ़ गंगा पे हूँ, ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं कल कटरा पे आ गई थी दोपहर में, मैं 2 बजे करीब यहाँ पर पहुँची थी। और उसके बाद फिर मेरे पास, मैं कोरोना की टेस्ट करा के आई थी तो मेरे पास रिपोर्ट थी, तो मुझे स्टेशन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो मैं 15-20 मिनट ही मुझे लगे थे। उसके बाद मैं फ्री हो गई, उसके बाद मैंने होटल में जाके चेक इन किया और लंच करके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद फिर लोकल मार्केट ही मैं घूमी थी और आज सुबह मैं चढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ माता वैष्णो देवी की। फ्रेंड्स, जैसे बहुत पहले के टाइम पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी तो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं इतना ज़्यादा कर पाते थे, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं, जैसे घोड़े हो गए हैं, हेलीकॉप्टर, पालकी, अब तो गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं, बच्चों के लिए भी छोटी छोटी सी ट्रॉली हैं, मतलब पिट्ठू हैं, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे आप इजीली माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता तब तक आप यहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन एक चीज़ तो है, जो पहले के टाइम पर जिस तरह से हुआ करता था कि लोग नहीं आ पाते थे क्योंकि चढ़ाई की वजह से एक दिक्कत होती थी लोगों को, लेकिन इस टाइम पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग है, अगर किसी की तबीयत ख़राब है जो नहीं आ सकता है, यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल, आराम से वो माता रानी के दर्शन ऊपर कर सकता है, भवन तक ईजिली पहुँच सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो मज़ा है चढ़ाई चढ़ के माता रानी के दर्शन करने में ना, वो किसी और जैसे घोड़ा या हेलीकॉप्टर से जाने में नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो फिर फ्रेंड्स, ये इस वीडियो को मेरे लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस जगह की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। जय माता दी के जयकारे के साथ चलते हैं माता वैष्णो देवी के भवन तक।
माता दी। फ्रेंड्स, बाढ़ गंगा के बाद मैं चरण पादुका मंदिर पहुंची। कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी जी का पीछा कर रहे थे, तब इस जगह पर माता वैष्णो देवी जी ने भैरवनाथ को पीछे मुड़कर देखा था, जिस वजह से यहाँ पर माता रानी के चरणों के निशान बन गए थे और इसलिए इस जगह को चरण पादुका। फ्रेंड्स, माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के दौरान आपको बीच बीच में कई जगह पर सीढ़ियाँ भी मिलेंगी, जिनके द्वारा आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जब सीढ़ी से आप ऊपर जाएंगे तो उससे थकावट आपको हो सकती है। आप जल्दी ज़रूर पहुँच जाएंगे, लेकिन आप थक सकते हैं उनसे। फ्रेंड्स, माता वैष्णो देवी की चढ़ाई लगभग एक तरफ की 12 किलोमीटर है, इसलिए जगह जगह पर डिस्पेंसरी, टॉयलेट और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है, और बीच बीच में बेंचेस भी पड़ी हुई हैं, जिससे कि अगर आप थक गए हैं जाएं तो आप वहां पर बैठकर थोड़ी देर रेस्ट कर सकें और दोबारा चढ़ाई स्टार्ट कर सकें। और इन सारी सुविधाओं की वजह से यात्रियों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और वो आराम से माता रानी के भवन तक पहुँच कर उनके दर्शन कर सके। और फ्रेंड्स, अब मैं अर्थ कुमारी पहुँच गई हूँ। ये अर्थ कुमारी का मंदिर है, यहाँ गर्भ जोन गुफा है। कहा जाता है कि माता ने कुछ दिन इस गुफा में बिताए थे।
फ्रेंड्स, अर्धकुमारी से भवन तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक नया और एक पुराना। मैं नए रास्ते से गई थी। इस रास्ते में चढ़ाई कम है और यह रास्ता छोटा भी है। आप अगर घोड़ा या पालकी से जाएंगे तो आपको पुराने रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने रास्ते पे ही घोड़ा पालकी ये सब चलते हैं, नए रास्ते पे घोड़ा और पालकी नहीं जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नए रास्ते से भवन तक जाएंगे तो अर्धकुमारी से भवन तक बैटरी कार से भी आप जा सकते हैं, जिसका पर पर्सन फेयर 354 रुपीस है। लेकिन यह सर्विस कुछ टाइम के लिए ही अवेलेबल होती है और आप बैटरी कार से भवन तक 15 मिनट में आप ऊपर पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, आप भवन के लिए केवल 5 किलोमीटर दूरी रह गई है। मैं काफ़ी ऊपर आ गई हूँ चढ़ाई चढ़ के, और बीच में मैंने अर्धकुमारी को भी क्रॉस कर लिया है। वहाँ पर गर्भजोन गुफा के लिए 4 घंटे की वेटिंग थी, तो इसलिए मैंने कहा 4 घंटे क्या रुकना, तो इसलिए पहले मैं भवन जाके दर्शन कर लूँगी और उसके बाद फिर गर्भजोन गुफा में जाके माता रानी के दर्शन करूँगी। और अभी केवल 5 किलोमीटर भवन रह गया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो फिर चलिए इस सफ़र को जारी रखिए मेरे साथ, आप भी जय माता दी। फ्रेंड्स, आप अगर अभी माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो हल्के से गर्म कपड़े आप अपने साथ रख लें, जिससे आप सुबह और शाम को पहन सकें, क्योंकि फ्रेंड्स कटरा में इस टाइम पे सुबह और शाम को हल्की सी ठंड पड़ती है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत हल्के फुल्के कपड़े गर्म पहनने पड़ सकते हैं, तो इसलिए आप हल्के गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रख लें। कि आप देख रहे हैं कि मैं भवन तक पहुंच गई हूँ। पीछे देखिए भवन दिख रहा है, और भवन में ये सारा सामान ले जाना अंदर अलाउ नहीं है, जैसे मोबाइल हो गया, बैग, सामान जो भी कुछ है वो सारा लॉकर में रखना है। तो मैं लॉकर में सारा सामान रख के फिर माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, और फिर दर्शन करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
फ्रेंड्स भवन पर कई सारी प्रसाद की शॉप्स अवेलेबल हैं और साथ ही दो या तीन जगहों पर लॉकर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। ये लॉकर श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप अपना सारा सामान रख सकते हैं और ये पूरी तरह से सारा सामान आपका सेफ रहेगा। और साथ ही भवन के पास ही आपको खाने पीने की कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी। बहुत सारी शॉप्स वहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स दर्शन करने के बाद सागर रत्ना में खाना खाया था। यहाँ का खाना काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मैं दर्शन करके आ गई हूँ और दर्शन काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके माता रानी के। और अब मैं इसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ और उसके लिए मैं रोप वे से जाऊँगी। अब रोप वे की सुविधा उपलब्ध हो गई और जिसका पर पर्सन टिकट का 100 रुपये पड़ता है। तो फिर चलिए चलते हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर में। फ्रेंड्स बाबा भैरवनाथ के मंदिर तक जाने के लिए ये रोप वे का टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। दरबार की जय, दरबार की जय, माँ के प्यार की जय, वैष्णो माता की जय, जय करो सराजा बोल साचे दरबार की जय। फ्रेंड्स मान्यता यह है कि अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएं तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें, वरना आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। पहले के टाइम पर फ्रेंड्स रोप वे की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए कई यात्री बीच से होके ही माता रानी के दर्शन करके ही लौट जाते थे, ऊपर नहीं आ पाते थे। लेकिन अब रोप वे के द्वारा सब लोग ऊपर पहुंच सकते हैं और बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स बाबा भैरवनाथ मंदिर के पास ही काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया बना रखा है जहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से ही आप व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। चारों तरफ पहाड़ हैं और फिर और साथ में ही बाबा भैरवनाथ मंदिर का मंदिर भी है। और यहाँ पर बैठ के आप इन सारी जगहों को, इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, इन सारे नज़ारों को देख सकते हैं। लेकिन एक है, यहाँ पर आप बैठकर कुछ खा पी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लंगूर और बंदर हैं जिसकी वजह से आपको खाने की चीज़ें या प्रसाद को छुपा के रखना पड़ेगा। Thank you.
फ्रेंड्स, भैरव मंदिर से एक डायरेक्ट रास्ता निकलता है जो सांझी छत और हाथी मत्था होते हुए अर्धकुंवारी तक जाता है, जिससे कि आपको वापस भवन नहीं आना पड़ेगा और ये रास्ता छोटा भी पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये सांझी छत है, यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकी थी और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, कुछ शॉप्स भी अवेलेबल हैं और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। और फ्रेंड्स, ये हाथी मत्था है, यहाँ की चढ़ाई स्टीप है जो कि हाथी के मत्थे की तरह है, इसलिए इसे हाथी मत्था कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जब मैं अर्धकुंवारी पहुंची तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और एक दिन की वेटिंग बता रहे थे, इस वजह से मैं गर्वजोन गुफा में नहीं जा पाई और माता रानी के मैंने दर्शन नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, बाढ़ गंगा पर गुलशन भंडारा होता है, यह भंडारा हर समय चालू रहता है। मैंने यहाँ पर भंडारा खाया और इसी के साथ मेरी माता वैष्णो देवी की यात्रा फिनिश हुई। और फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कटरा के आसपास किन किन जगहों पर घूम सकते हैं। और फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखना प्लीज़ ना भूलें। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सब लोगों को इस वीडियो को शेयर भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मैं मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय माता दी।